हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स का इंग्लिश बुक 2 का लेसन नंबर 17 केयरिंग फॉर अदर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 17, केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए देख भाल। लव एंड केयर आर टू इम्पोर्टेंट फीलिंग्स दैट बाइंड अस टुगेदर। वी ऑल लव आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, बट देयर आर सम पीपल हु शेयर देयर लव विद ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। दे टेक केयर ऑफ दोज हु आर अलोन एंड हेल्पलेस। दे एक्सटेंड देयर हैंड टू हेल्प दोज हु आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। They do not look forward to any reward for their kind action. What can we call such people? Shall we call them the savior of humanity? We should be proud of them. आइए अब इसका हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। प्यार और देखभाल दो महत्वपूर्ण भावनाएं हैं जो हमें एक साथ बांधती है। हम सभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्यार को पूरी मानवता के साथ साझा करते हैं। वे उन लोगों की देखभाल करते हैं जो अकेले और असहाय हैं। वे उन लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं जो कठिन परिस्थितियों में हैं। वे अपनी तरह के कार्यों के लिए किसी भी इनाम का इंतजार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? क्या हम उन्हें मानवता के उद्धारकर्ता कहेंगे? हमें उन पर गर्व होना चाहिए। The lesson is divided into three parts. The first is an interview with Mother Teresa. The second is a report about Janaki Iyer and her school, Ananda Bharati. The third is the story of a young girl called Bhagya. Part को तीन भागों में बांटा गया है। पहला मदर टेरेसा का एक साक्षात्कार है, दूसरी है जानकी अय्यर और उनके स्कूल आनंद भारती के बारे में एक रिपोर्ट, तीसरी भाग्य नाम की एक युवा लड़की की कहानी है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Let us read the text. हमें पाठ पढ़े। मदर टेरेसा लुक्ड आफ्टर द पुअर एंड द नीडी। What did she do for the dying? मदर टेरेसा ने गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल की। उन्होंने मरने वालों के लिए क्या किया? We will get to know about Mother Teresa. She was born in South Yugoslavia. At the age of 19, she came to Darjeeling, India to teach. In 1931, she decided to serve the poorest of the poor. She belonged to the Order of Missionaries of Charity. They run 40 schools where about 30,000 children are educated. They also have mobile dispensaries, training center and destitute homes for the poor and the needy. In 1979, she received the Nobel Prize for her service to the poor. She was also given the Bharat Ratna by the government of India in 1918. Mother Teresa ke baare mein hum jaanenge. उनका जन्म दक्षिण युगोस्लाविया में हुआ था। 19 साल की उम्र में वह पढ़ाने के लिए भारत के दार्जिलिंग आ गई। 1931 में उन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करने का फैसला किया। वह मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आदेश का था। वे 40 स्कूल चलाते थे जहां लगभग 30,000 बच्चे पढ़ते थे। उनके पास गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी, प्रशिक्षण केंद्र और निराश्रित घर भी थे। 1969 में उन्हें गरीबों को उनकी सेवाओं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें 1980 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया था। Here is an extract from an interview with Mother Teresa. The interviewer is the well-known journalist Malcolm Muggeridge. Does it tell us how Mother Teresa cared for the poor? Let us read and find out. यहाँ मदर टेरेसा के साथ एक साक्षात्कार का उद्धरण दिया गया है। साक्षात्कारकर्ता जाने माने पत्रकार मैलकम मुगरीज है।
क्या यह हमें बताता है कि मदर टेरेसा ने गरीबों की दुआ कैसे की? आइए पढ़े और जाने। सेक्शन वन, खंड एक, मैलकॉम। व्हेन यू से होम फॉर द डाइंग, डू यू मीन दैट दीज आर पीपल ऑन द स्ट्रीट हु हैव बीन अबैंडनड एंड आर डाइंग? मैलकम पूछती है, जब आप कहते हैं कि होम फॉर द डाइंग का मतलब है कि आप सड़कों पर ऐसे लोग हैं जो लोग छोड़ दिए गए और मर रहे हैं? मदर टेरेसा, यस, द फर्स्ट वुमेन हु आई सेव्ड वाज पिक अप फ्रॉम द स्ट्रीट। सी हैड बीन हाफ ईटन बाय द रैट्स एंड द एंट्स। आई टुक हर टू द हॉस्पिटल बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर। दे ओनली टुक हर इन बिकॉज आई रिफ्यूज टू मूव अंटिल दे एक्सेप्टेड हर। फ्रॉम देयर आई वेंट टू द म्यूनिसिपैलिटी एंड आस्क्ड देम टू गिव मी अ प्लेस वेयर आई कुड ब्रिंग सच पीपल। द हेल्थ ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी टुक मी टू द काली टेम्पल एंड सोर मी टू द धर्मशाला। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव दैट प्लेस। Within 24 hours, we had our patient there and we started the work of the home for the sick and the dying. In 1952, we opened the first home for the dying. अब मदर टेरेसा कहती है, हाँ, पहली महिला जिसे मैंने बचाया उसे सड़क से उठाया गया था, वह चूहों और चींटियों द्वारा आधा खाया जा चुकी थी। मैं उसे अस्पताल ले गई लेकिन वे उसके लिए कुछ नहीं कर सके। वे केवल उसे ले गए क्योंकि मैंने तब तक चलने से इनकार कर दिया जब तक उन्हें से स्वीकार नहीं किया। वहां से मैं नगर पालिका के पास गई और उनसे मुझे एक जगह देने के लिए कहा जहां मैं ऐसे लोगों को ला सकूं। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने मुझे काली मंदिर ले गए और मुझे धर्मशाला दिखाया। मुझे वह जगह पाकर बहुत खुश हुई। 24 घंटे के भीतर हमारे पास हमारे मरीज थे और हमने बीमारों और मरने वालों के लिए घर का काम शुरू किया। 1952 में हमने मरने के लिए पहला घर खोला। जो लोग मर रहे थे उनके लिए 1952 में जो है मदर टेरेसा ने पहला घर खोला। मैलकॉम, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग फॉर दिस डाइंग पीपल? आई नो यू ब्रिंग देम इन हेयर। अब मैलकॉम पूछती है, वास्तव में आप इन मरने वाले लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे पता है आप उन्हें यहाँ लाएंगे। मदर टेरेसा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू मेक देम फील दे आर वांटेड। वी वांट देम टू नो दैट देयर आर पीपल हु रियली लव देम, हु रियली केयर फॉर देम एट लीस्ट फॉर द फ्यू आवर्स दैट दे हैव टू लाइव। दे टू शुड नो दैट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड दैट दे आर नॉट फॉरगॉटन एंड दैट They are loved and cared. मदर टेरेसा, सबसे पहले हम उन्हें महसूस कराना चाहते हैं कि वे चाहते हैं, हम उन्हें जानना चाहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो वास्तव में उनसे प्यार करते हैं। वे वास्तव में कम से कम कुछ घंटों के लिए उनकी देखभाल करते हैं जिन्हें उन्हें जीना है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि वे भगवान की संतान है और उन्हें भुलाया नहीं जाता है और उन्हें प्यार और देखभाल की जाती है। मैलकम, व्हाट हैपेंड टू दोज हु आर क्योर्ड? अब मैलकम पूछती है, जो लोग ठीक हो जाते हैं उनका क्या होता है? मदर टेरेसा, दोज हु आर एबल टू वर्क वी ट्राई टू फाइंड सम वर्क फॉर देम, द अदर्स वी ट्राई टू सेंड देम होम वेयर दे कैन स्पेंड एट लीस्ट अ फ्यू इयर्स इन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। अब मदर टेरेसा बोलती है, जो लोग काम करने में सक्षम है हम उनके लिए कुछ काम खोजने की कोशिश करते हैं, अन्य हम उन्हें घर भेजने की कोशिश करते हैं जहां वे कम से कम कुछ साल खुशी और आराम से बिता सकते हैं। सेक्शन टू, खंड दो, अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द टर्नाका क्रॉसरोड्स यू कम अक्रॉस अ क्वाइट हाउस कॉल्ड नीता रेफ्यूज। अटेस्ट टू It is a small school where in the afternoons you will come across many little girls who are domestic servants learning to read. This is none formal education center
Education is a very serious business here. The girls get to write their public exams. Some of them join residential school after clearing the entrance exam, and some others go for higher studies. Innovative teaching methods help these first generation learners field trips. Discussion on current events are common feature in this school. Ananda Bharati is not just about education. Many people have commented that the children here are transformed into confident individuals and that the values embedded here stay with them wherever they go. आइए अब हम लोग जो है इसका हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। तार नाका चौराहे से थोड़ी दूरी पर आप नीता सरन नामक एक शांत घर में आते हैं। इसके साथ सलंग एक छोटा सा स्कूल है जहां दोपहर में आप कई छोटी लड़कियों के साथ आएंगे जो घरेलू नौकर है पढ़ना सीख रही हैं। यह कोई गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र नहीं है। शिक्षा यहाँ बहुत गंभीर व्यवसाय है। लड़कियों को अपनी सार्वजनिक परीक्षाएं लिखने के लिए मिलती है, उनमें से कुछ अवश्य स्कूलों में प्रवेश लेती है। प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के बाद और कुछ अन्य लोग उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं। नवीन शिक्षण विद्याएं इन पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की मदद करती है। फील्ड ट्रिप वर्तमान घटनाओं पर चर्चा इस स्कूल में आम विशेषता है। आनंद भारती केवल शिक्षा के बारे में नहीं, कई लोगों ने टिप्पणी की है कि यहाँ के बच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, व्यक्तियों में परिवर्तन हो जाते हैं और यहाँ पर जिन मूल्यों को ग्रहण किया जाता है वे उनके साथ ही रहते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। द वुमेन हु रन्स द स्कूल एंड हु हैज अ हाउस इन नीडा इज जानकी अय्यर, सिंपली कॉल्ड जा बाय हर फ्रेंड। जानकी कुड वेल बी योर नेबर अक्रॉस द वॉल बेबीसिटिंग हर गेट चिल्ड्रन। द स्वीटली 17 ईयर ओल्ड इज एन unassuming, soft-spoken lady and comes across as a very gentle person. She chooses her words carefully, speaks of a well-ordered mind. वो महिला जो स्कूल जाती है और जिनके पास नीता में घर है, जानकी अय्यर है, जिसे बस उसके दोस्त जे कहते हैं। जानकी अच्छी तरह से अपनी पोते की परवरिश करने वाली दीवार की पड़ोसी हो सकती है। ये 70 साल की उम्र में एक बेबाक मृदुभाषी महिला है और बहुत ही सज्जन व्यक्ति के रूप में सामने आती है। वो अपने शब्दों को ध्यान से चुनती है, सटीक सुव्यवस्थित मन की बात करती है। She attracts young people to her like bees to honey. Her school, appropriately enough called Ananda Bharati, has attracted many younger professionals is an unprecedented way to lend their time and effort to this venture. A computer professional helps with the accounts. A linguistics professor teaches Hindi. Another professor teaches English and another music. Despite the preponderance of highly educated teacher, Janki has been able to attract and retain teacher from underprivileged background. When a child needs to be put into a residential school or needs to go in for higher study in college, Janki has many friends who help in sorting out the myriad problem that crop up. वह मधुमक्खियों को शहद की तरह अपनी ओर आकर्षित करती हैं। किसको? जैसे मधुमक्खी जो है शहदों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कौन? जानकी अय्यर। आनंद भारती नामक उनके स्कूल ने कई युवा पेशवरों को इस उद्यम के लिए अपना समय और प्रयास देने के लिए एक अभूतपूर्ण तरीके से आकर्षित किया है। एक कंप्यूटर पेशेवर खातों के साथ मदद करता है, एक भाषा विज्ञान प्रोफेसर हिंदी सिखाता है, एक और प्रोफेसर अंग्रेजी पढ़ाता है और दूसरा संगीत।
और शिक्षित शिक्षकों के प्रसार के बावजूद जानकी अंदर विशेष अधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने में सक्षम है। एक बच्चे को आवासीय विद्यालय में रखा जाना चाहिए या कॉलेज अध्ययन के लिए जाने की जरूरत है, तो जानकी के कई दोस्त हैं जो फसल की असंख्य समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। संध्या रानी अ 15 ईयर ओल्ड सेड दैट शी लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज विथ वोकेशनल ट्रेनिंग। 15 साल की संध्या रानी कहती है कि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ पढ़ाई का संयोजन पसंद आया। जानकी अय्यर इज डूइंग अ योमैन सर्विस टू दिस डोमेस्टिक वर्कर बाय एडुकेटिंग देम। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम कमिटेड टीचर एंड यंग एंथुजियास्टिक प्रोफेशनल हु वॉलंटियर टू हेल्प इन दिस स्कूल। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। She said, with such committed social worker, there is hope on the horizon. जानकी अय्यर इन घरेलू कामगारों को शिक्षित करके एक तुर्क सेवा कर रही हैं। मुझे प्रतिवर्ष शिक्षकों और युवा उत्साही पेशेवरों से बहुत मदद मिल रही है जो स्कूल में मदद करने के लिए स्वयं सेवक है। मुझे इसके लिए बहुत आभारी हूँ। ऐसे प्रतिवर्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ क्षितिज पर आशा है। भाग्या इज अ 10 ईयर ओल्ड हु अटेंड माई न्यू फॉर्मल एडुकेशन यूनिट अनंदा भारती। शी कम्स टू माई क्लास विच स्टार्टेड एट 2 PM विथ हर यंगर सिस्टर स्वर्णा एंड बेबी सिस्टर स्वप्ना। एज सुन एज शी कम्स टू क्लास देयर इज अ चेंज इन भाग्या। She says her responsibilities the instant she hands over Swapna to me for the next 2.5 hours. She like any other child for her age is interested in her work, be it an exercise in Telugu or some drawing. भाग्या एक 10 साल की है जो मेरी गैर शिक्षा शिक्षा इकाई आन भारती में भाग लेती है और मेरी कक्षा में आती है जो दोपहर 2 बजे शुरू होती है। वह अपनी छोटी बहन स्वर्ण और बेबी बहन स्वप्ना के साथ आती है। जैसे ही वह क्लास में आती है भाग्या में बदलाव आ जाता है। वह अपनी जिम्मेदारियों को टल जाती है और वह तुरंत ही स्वप्ना को मुझे सौंप देती है। अगले 2.5 घंटे के लिए वह अपनी उम्र के किसी भी अन्य बच्चों की तरह अपने काम में रुचि रखती है। वह तेलुगु और कुछ जोड़ घटाव की एक्सरसाइज अभ्यास करती है। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर प्लेइंग अराउंड फॉर अ वाइल एंड स्क्रिबलिंग ऑन अ स्लेट स्वप्ना सेट एल्स ऑन माय लैप फॉर हर सिस्टर वर्क गेट्स मोर इंटेंस आफ्टर स्वप्ना इज पुट डाउन बिफोर एनी ऑफ अस रियलाइज इट इज 4:15 and the time for games on good is Swapna sleep show this also at 4:45 all are ready to leave for home। थोड़ी देर तक इधर उधर खेलने के बाद एक छोटी सी स्लेट पर स्क्रैम्बलिंग करते हुए स्वप्ना अपनी गोद में बैठ गई और थोड़ा सा नींद ले लेती है। सपना को नीचे रखने के बाद काम अधिक तीव्र हो जाता है। हम में से किसी को भी इसका एहसास होने से पहले यह 4:15 और खेलों का समय हो जाता है। अच्छे दिनों में सपना इसके माध्यम से भी सोती है। एक चौथाई पर बाद सभी घर से रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। वन आफ्टरनून इन जुलाई भाग्या केम टू क्लास वेयरिंग अ पेयर ऑफ रबर स्लीपर। शी एक्सप्लेन दैट शी हैड स्टार्टेड वर्किंग For the occupants of a flat, this gave her a little money to get something for herself, which she badly needed. Another day, she wore pretty green bangle on her slender wrist. They looked beautiful on her, bringing Sarojini Naidu's delicate, bright rainbow tint circle of light to my mind. Soon, she had a set of new clothes. अब आइए इसका हिंदी जानने का
करते हैं। जुलाई में एक दोपहर भाग्य रबर चप्पल की एक जोड़ी पहनकर कक्षा में आई। उसने बताया कि उसने एक फ्लैट में रहने वालों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इससे उसे अपने लिए कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है जिसकी उसे बुरी तरह से जरूरत थी। एक और दिन उसने अपने पतली कलाई पर सुंदर हरी चूड़िया पहनी। वे मेरे दिमाग में सरोजिनी नायडू की नाजुक चमकीले इंद्रधनुष रंग के हलकों को लाने के लिए बहुत सुंदर लग रही थी। जल्द ही उसके पास नए कपड़े का सेट था। डेज वेंट बाय, वी कंटिन्यूड आवर वर्क इन द आफ्टरनून। भाग्या वाज बिजी कुकिंग एंड लुकिंग आफ्टर स्वप्ना इन हर ऑन होम। शी ऑल्सो हैड हर वर्क इन द फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर। Some days she was late coming to my class and took my admonition with a serious down cast look. दिन बीतते गए। हमने दोपहर में अपना काम जारी रखा। भाग्या खाना बनाने में व्यस्त थी और अपने घर में स्वप्नों की देखभाल कर रही थी। उसने तीसरी मंजिल के फ्लैट में भी काम किया था। कुछ दिनों से वो मेरी कक्षा में आने में देरी कर रही थी और उसने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। पढ़ते हैं। ऑन वन डे आई फाउंड लक्ष्मी अनदर ऑफ माई स्ट्रेंड गोइंग अलॉन्ग विथ भाग्या टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट। व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाट सी वाज अप टू सी सेड भाग्या हैड गॉट हर वर्क इज वन ऑफ द न्यू अपार्टमेंट। भाग्या हर्सेल्फ केम रनिंग टू मी एंड सेड द लेडी ऑफ दैट हाउस वांटेड मी टू वर्क फॉर हर फॉर 100 रुपीज पर मंथ। I know what that I cannot take on more work if I want to study in the afternoon. So I decided that I would give Lakshmi the job I was shown. एक दिन मुझे लक्ष्मी मिली। मेरे एक अन्य छात्र भाग्य के साथ नवनिर्मित फ्लैट में जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है तो उसने कहा कि भाग्य को एक नए अपार्टमेंट में काम मिला था। भाग्य खुद मेरे पास दौड़ती हुई आई और कही उस घर की महिला चाहती थी कि मैं उसके लिए 100 रुपये प्रति माह काम करूं। मुझे पता है कि अगर मैं दोपहर में अध्ययन करना चाहती हूँ तो मुझे अधिक काम नहीं कर सकती। इसलिए मैं फैसला किया कि मैं लक्ष्मी को नौकरी दूंगी। मैं दंग रह गई थी। कौन दंग रह गई थी? तो जानकी अय्यर दंग रह गई थी ये सब बात सुन के लक्ष्मी की। हाँ माफ करना, भाग्य की। भाग्या हैड मेड अ डेलिबरेट चॉइस गिविंग अप 100 रुपीज एवरी मंथ इन ऑर्डर टू स्टडी। व्हाट वाज इवन मोर रिमार्केबल वाज द मैटर ऑफ द फैक्ट व्हेन शी सेड इट टू हर द इश्यू सीम क्रिस्टल क्लियर। देयर वाज अ इन हर वॉइस व्हेन शी मेंशन दैट ग्रैंड सम ऑफ 100 रुपीज और वंदा एज शी कॉल्ड it in Telugu, but there was no a trace of a regret in either her face or voice for having given it up. भाग्या ने पढ़ाई के क्रम में हर महीने 100 रुपए देकर जान बूझ कर चुनाव किया था। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने इसे कहा था। उसे यह मुद्दा स्पष्ट लग रहा था। उसकी आवाज में खौफ था जब उसने 100 रुपए का वादा या फिर वादा भी कह सकते हैं 100 रुपये या फिर वादा भी कह सकते हैं उसे भव्य राशि का उल्लेख किया था। क्योंकि उसने उसे उसके चेहरे का आवाज में भी कोई अफसोस या निशान नहीं था। ये जो 100 रुपये है उसको तेलुगु में वांडा भी कहते हैं। आइए इस तरह से जो है चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आइए सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 70.1, ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 70.2, ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 70.3। कुछ ग्रामर सेक्शन भी उसे भी ध्यान दीजिएगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहां से आंसर दिया हुआ है। ग्रामर सेक्शन का भी आंसर दिया गया है। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।